नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। यह कैसा अन्याय, मंगरे के साथ जो रहने वाला साथी पुरवा का है, गांव के लोग उसे गोली से मार देने की धमकी देते हैं। पुलिस प्रशासन और प्रधान भी उनकी नहीं सुनता क्योंकि वह गरीब है। निघासन से हमारे संवाददाता विनय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज, विनय प्रताप सिंह। किसानों से पूछते हैं क्या समस्या है। यस, आपका क्या नाम है? बोली, हमारा नाम मंगरे। अच्छा, ये आप ही खेत है? हाँ। ये किसी का फसल बोया हुआ है? किसी के रहा है। हाँ, क्या बोया हुआ है ये? केला के रहा। केला की फसल है? हाँ। अच्छा, कितना बीघा है ये? 4 एकड़। 4 एकड़ आप ही खेत है ना? हाँ। अच्छा, ठेके पर है। ठेके पर कितने रुपए में देंगे उन्हें? 4000 रुपया साल के रहा। साल क्या देंगे? बीघा का 20 बीघा है। अच्छा, तो आपने बोया है तो इसमें कैसे आपको क्या समस्या है फिर? समस्या का है वह जो है, हाँ, लगाओ तो पड़ता है खर्चा। हाँ, और क्या समस्या? अच्छा, हाँ तो वह है, बता तो दिया ने घर से भी और कुछ कर्जा। और भी कर्जा कहाँ से लिया आपने? बैंक से ने यार। बैंक से कर्जा लिया? अच्छा, और घर से भी और भी जुगाड़, जैसे मेहनत मजदूरी और। अच्छा, जैसे जो भी करा जाते करा। बरसात तो है ही कम है, जहाँ तहाँ बूंदी बांदी, कभू कभू भय बरसात। अच्छा, बरसात नहीं हो रहा है? वही बूंदी बांदी या कपड़ा भिजाओ या। तो आप कैसे पैदा कर पाएंगे ये? पानी के बूते हो ही पाई या मोटर के रे, अंजन के रे बूते बोरिंग से नहीं। बरसात नहीं हो रहा है? बरसात कहाँ है तो। अच्छा, लगाओ कहूँ कहूँ। क्या हुआ तो 4-4, 5-5 घंटा रख देते रहो सारे कहीं कहूँ कहूँ, 2-4 घंटा। गाय निकालो जंगल से ने, हर से ने निकाल के यहाँ जंगल ले जाओ तो कभू कभू सारे तो बहुत तंग कर। अच्छा, कितनी गायें आ जाती होगी? 10-15, 15-20 गायें उठती हैं यार कभू कभू। अच्छा, अरे तो गाय निकल का करियो तो छुट्टा हुई है हैं तो कौन एक दो आदमी का करें उनका जो जो छोड़ा हुआ अब छोड़े वाले ने सारे का कही है। तो ये किसने छोड़ दी, किसका छोड़ा, इसमें किसका गलती आप महसूस कर रहे हैं? अरे छोड़े वाले आदमी किसान छोड़े ने और की का बतावा जी। तो आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आपको कोई सुविधा? सुविधा यहाँ हमका कौन है, उधर घरों गिरा बता दी। कॉलोनी लोनी में है कहाँ घर, तो टटीहर झोपड़िया बनी है यार। अच्छा, ये झोपड़िया बनी है वो तो दिखी भाई करे। अच्छा, आपको प्रधान जी आपके कौन है? प्रधान रामपाल हैं, लुधौरी पंचायत। अच्छा, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है? कौन सुविधा मिला हमका, कोई नहीं मिला। अच्छा, अरे कहा वाले कहीं तक है तो वहाँ कहता है हमका ना दिखाने को आप तलक कोई यो है सब। अब हम कहा कही कहे सने कहा वहाँ बन जाते कोई बना है अब कौन कब सुनी सी। ये सब वो वाली है कि जो भी दौड़ रहे हैं उनका हाल होते ही मामला। और की कौन बनावा कब कब बना है यू है कि जैसे 20 रुपये आए तो मैसे ने 2-4 रुपया दस दिन गिला के हैं, बाकी 17-18 रुपये अपना है और वहाँ पहुँचाई दें कि 20 रुपये मैंने दिए हैं। किसने कौन ये बात? बीडो सेक्रेटरी नहीं तो आप डीएम साहब से बोलो ना। डीएम साहब, डीएम साहब से बोलो, क्यों नहीं आपकी सुनेंगे वो? तब बोली हुआ कितने बोली की के तिर बोली जाए कहाँ कहाँ दौड़े घूमी यार। सुनते नहीं क्या आपकी जी का जैसे रास्ता पर घर बना है की का नहीं दिखा। सुनते कोई नहीं हमारे बारे में यहाँ कौन देखा है कि इनके संग का हो रहा। आज तलक आज कोई देखा है समझा है कि इनके संग का हो रहा। गांव वाले तक रहे हैं हम जानी थी। हाँ।
हाँ पेंशन के बहाने 2 एकड़ जमीन ले ली गए, उमर बिरवा बेच रहे हैं, कटवा टिकटर उटर ले आए, घर मकान बन गया है। अच्छा गांव के लोग भी 2 एकड़ जमीन बची उमर से नहीं आसो हिया मैड परसाल हुआ मैड वो बढ़ाए बढ़ाए हुआ बोरिंग गांड में खोस लेन बोरिंग सरकारी रहा है। 1977 में जब कबू बनी रहा सरकारी देखे रहो बोरिंगे लगती रहे वही बोरिंगे देखो जाए सब गांड में खोस लेन और मैड देखो जाए कहाँ है वो मैड वो बढ़ाए बुढ़ के यहाँ तक तक वही मैड पर फिर बिरवा लागी और बिरवा तेते मोड़ गई कहा तो लंगड़िया बिटिया चौधरी और बताई थी होती कि तुम का कर लिया भोसड़ी तुम कहा फैर सने उड़ाई दीवा। अच्छा फैर मारने के लिए कहते फैर मार रहे सरकारी में नौकर ना है रजिंदर रजिंदर ओम गार्ड है पुलिस वाले हुई के हैं बांके है हमारे गांव के बांके हाँ ये तेरे ऐसे जाओ तो ऐसे घूमो तो कुनिया पर घर हुआ टिकटर पकड़िए तेरे ठाण हो हमारे बिरादर जत्ते गांव के रहा सबका तो सब वही वैधा पागल हो गए हैं ज्ञान के वही कर्म ना करें और जिनका बन गया वही बड़ी भक्ति करी तो उनका ऑटोमेटिक ज्ञान प्रगट हो गया और भगवान प्रगट हो गया तो उनका बन गया बनावा जा रहा हम मिटाए जा रहे हम मिट गए हैं। हाँ तो यह हो तो समस्या और का बतावा जाए का बताई तभी आप यहाँ रुके हुए खेत में और कहाँ रुकी और कहाँ रुकी तभी तो अरे ख्याति तो रुकई परबे करी भाई तो फसल आप यही रुक रहे हैं ना यही कहाँ यही रुक रहे हैं। अच्छा यही बना हुआ मड़ैया है देखिए सातीपुरा ग्राम के रहने वाले मंगरे हैं जिन्हें गांव वाले बहुत ही परेशान कर रहे हैं इसकी परेशानी कोई भी नहीं सुन रहे। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर मोहाव बाजार में फ्लाईओवर कार्य रोक दिया गया है। दुकान व मकान छोटे छोटे दुकान व गरीब परिवार का मकान बढ़ने से कम मुआवजा मिलने के कारण वहां की जनता धरना प्रदर्शन कर रही है जिसमें ग्राम प्रधान राम जन्म यादव पूर्वा मेजर ललन यादव मदन विश्वकर्मा रमेश प्रहलाद राजेश वर्मा अन्य लोग उपस्थित हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत मोहाव में आए हुए हैं यहाँ पर जनता जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है तो इनसे हम वार्ता करते हैं। कहिए आपका शुभ नाम क्या है जी। भूतपूर्व सैनिक हाँ जी सूबेदार मेजर ललन प्रसाद यादव मेरा नाम है। और किस बारे में धरना प्रदर्शन हो रहा है जी। यहाँ जो गोसाईपुर मोहाव के व्यापारी और किसानों को भूमि अधिग्रहित का मुआवजा मिला हुआ है वो असंगत है। पहले जो 2012 में प्रकाशन हुआ था 2012 का जो सर्किल रेट था उसके हिसाब से भी मुआवजा नहीं मिला है। उस समय डीएम साहब से बात हुई थी कि हम लोग काम रोक रहे हैं तो डीएम साहब ने यही कहा था कि आप काम मत रोकिए आर्बिट्रेशन दाखिल कर दीजिए हम मुआवजा बढ़ा करके आपको दे देंगे। हम लोगों ने आर्बिट्रेशन भी दाखिल किया वहाँ लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसके ऊपर उब करके चूंकि तुरंत अभी अभी 2-4 दिन पहले जिनका प्रकाशन उस समय नहीं हुआ था बाद में प्रकाशन हुआ है उन्हें बढ़ करके मुआवजा मिला है। वही जमीन वही जगह सब कुछ वही है लेकिन उनको मुआवजा ज़्यादा मिला है और जो जिनको पहले मिला मुआवजा कम मिला था। मजबूर होकर के हम किसान और व्यापारीगण इतना मजबूर हैं कि अब धरना प्रदर्शन और काम रोकने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है अन्यथा जब तक हम लोगों के खाते में बढ़ करके उचित रेट नहीं मिल जाता है तब तक हम NHI कर्मियों को एक भी कार्य नहीं करने देंगे और यातायात और आवागमन बाधित नहीं। 15 लाख रुपया 20 लाख बिस्ता है यहाँ तो 4 लाख 5 लाख मिला हुआ तो क्या हम लोग करेंगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा धंधा सबसे पहले तो हमारे न मकान ही रेट मिला पूरा कुछ भी नहीं मिला है। हमको चाहिए हमको किसी हाल में चाहिए हमको सबको मिला है हमें भी चाहिए जो उचित हाँ। है व्यापारी रेट वो इन लोगों को मिलना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारे साथ न्याय हो न्याय हो न्याय हो हमारे साथ न्याय हो न्याय हो
ग्रामीण अभियंता विभाग शाहजहाँपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक प्रमुख विकास खंड सिंधौली शाहजहाँपुर से सुनीता यादव, पति फिरोज सिंह उर्फ कल्लू व प्रधान ग्राम मोर्चा अरुण दीक्षित व पूर्व प्रधान राकेश यादव ग्राम सैजना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। एक तरफ जहां डीजीपी कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दे, तो वहीं बच्चा चोर समझकर तीन लोगों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। जी हां, प्रतापगढ़ में देर रात बच्चा चोरी गैंग की शक पर तीन युवकों की जमकर पिटाई कर दी ग्रामीणों ने। बंजारों को पकड़कर जमकर पीटा। जंगली जानवरों की तलाश में रात को गांव में घुस आए थे बंजारे। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं बंजारे। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी की शक पर पीट कर किया पुलिस के हवाले। पूरा मामला आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के नचरौला गांव का है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की रिपोर्ट। घर वाले पकड़ी बोला है भैया हमारे भाई यार कौन से दिक्कत ना अगर कौन जरूरत है लगाए तो घर से बोला मनाई अपने ए लड़के इधर देखो इधर देखो मार रहे हैं लाल कोई मार रहे हैं बेटा हे हे मान लगा था ना चड्डू दा देखा था तुरंत फोन करता है बात करता है सही घरे का है पुलिस जी फोन करा उनका घर वाले आवत है कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फार्म न्यूज़ इंडिया के साथ।